हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हैं। इनसे ना मैंने पहले एक फाउंटेन बनाया था जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर करी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी और आप नए हो तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत सुंदर लिविंग रूम की डेकोरेशन थी वो एक फाउंटेन के थ्रू। और ऐसे ही अब यहाँ पे मैं इसको, परसों शिवरात्रि आ रही है तो उसके लिए रीपर्पस करने वाली हूँ अपने इस फाउंटेन को। और कुछ शिवरात्रि से रिलेटेड बनाने के लिए मैंने पाइप को मटकी के साइज इतना कट कर लिया है। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे हमने ये कूलर वाली मोटर को यूज़ किया है तो मैं उसको कवर करने के लिए ये कुछ स्टोन्स का या जो रॉक्स होती है ना उनका मैं यूज़ करने वाली हूँ एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए। इससे जो होता है ये जो नीचे मोटर है मेरी वो भी कवर हो जाएगी, और क्योंकि मेरी ट्रिप थोड़ी सी डीप है तो उसका सरफेस भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ इन शिवलिंग का, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली शिवरात्रि से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो ये है मेरी पूरी जो ये मतलब फाउंटेन है उसका स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से मटके जिसमें से पाइप बाहर आ रही है। और ऐसे ये कूलर वाली मोटर है, बहुत इजीली मार्केट में ही आप सबको मिल जाएगी अगर आप लोग भी ऐसा कुछ बनाने की ट्राई करते हो। और ये शिवलिंग है और कुछ रॉक्स। तो इसके अंदर कुछ कलर्स को ऐड ऑन करने के लिए या थोड़ी नेचुरल सी फॉरेस्ट लुक देने के लिए इसमें हम ऐड करें ये कुछ प्लांट, जिसमें है ये मनी प्लांट, ब्रोकन हार्ट और ये है सिंगोनियम का प्लांट। ये तीनों ही प्लांट्स बहुत सूटेबल हैं अगर आपको इनको पानी के अंदर ग्रो करना है, ठीक है। तो ये अच्छे रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते बहुत ईजीली, ठीक है। तो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ये इसी नेचर के मैंने प्लांट्स यहाँ पे लिए हैं ट्रे में, ताकि अगर मैं इसके फाउंटेन के अंदर इसको रखूँ तो पानी से ये डैमेज भी ना हो। अब हम इनको अच्छे से कर देंगे इसमें डेकोरेट। इसमें अब मैं ऐड करने वाली हूँ ये कुछ वाइट कलर के स्टोन्स। आप ऐसे कलरफुल स्टोन्स वगैरह किसी भी फाउंटेन के अंदर ऐड कर सकते हो, और ये उससे ना उसकी ग्रेस जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं ये। बिकॉज़ जब आप इनको ऐसे वीडियो में तो चाहे ना पता लग रहा हो, बट जब आप इसको ऐसे ऊपर से खड़े होकर देखते हो या सामने से जब लुक आती हो तो इसमें ये स्टोन्स नज़र आते हैं। तो अब बारी है इसके अंदर पानी डालने की। इसके अंदर आप जितना पानी डालोगे उतना ये मोटर फेच करेगी उतना ही पानी, और उसी तरह फिर आपका फाउंटेन जो है वो वर्क करेगा जब आप इसको प्लग इन कर दोगे। और ये है फाउंटेन की फाइनल लुक। तो ये अब मैंने कर दिया अपना फाउंटेन ऑन, और आप लोग देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है और जिस तरह से पानी का प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है ये बहुत ही सुंदर अपेयरेंस दे रहा है। और हम इसको किसी भी तरह से, चाहे आप इसको लिविंग स्पेस के अंदर रखो, आप इसको किसी कॉर्नर के अंदर बना के रखो, और ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा आपके किसी भी डल से कॉर्नर को और उसके अपेयरेंस को बहुत ज़्यादा सुंदर भी बना देगा। तो ऐसे ही शिवरात्रि के लिए ये थी मेरी एक स्पेशल फाउंटेन की डेकोरेशन। आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी। और इससे पहले वाला भी मेरा एक फाउंटेन है जो मैंने वीडियो उसकी अपलोड कर रखी है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हो और बता सकते हो आपके ओपिनियंस। तो गाइस ये बहुत ही इजी टू मेक और बहुत ही सिंपल सा डेकोर है जो आप लोग बहुत इजीली अपने घर में कर सकते हो, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो इट इज़ अ मस्ट ट्राई, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी टू मेक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको ये पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।